गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एयर ऑनलाइन क्लासेस इट्स अवर कंप्यूटर क्लास लेट्स बेटा आज हम अपना फोर्थ चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर थर्टी फोर पर हमारा आज का टॉपिक है ड्रिप मैजिक ड्रिप मैजिक क्या है ये पेंट का ही एक पार्ट है कैसे होती है ड्रिप मैजिक पेंटिंग उसके बारे में जानते हैं वॉट हैपन्स क्या होता है वैन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ ड्राइंग मेड विद द स्केच पेन और अ लेटर दैट इज़ रिटन यूजिंग अ इंक पेन तब क्या होता है वाटर क्यों गिरता है जब हम स्केच पेन से और जो लाइक इंक पेन होता है उससे लेटर्स और जो ड्राॅइंग uh, होती है उसको बनाते हैं द इंक कलर विल स्कैटर एंड ड्रिप अवे लाइक वाटर जो इंक कलर होता है वो नीचे नीचे गिरता है जैसे ये एग्जाम्पल जे जैसे हमने टी डाला तो जो इंक कलर है वो नीचे आने जैसे वाटर की ड्रॉप्स गिरती हैं वैसे ये गिरने लगता है सिमिलरली दिस मैजिक सब टूल इज गिव्स अ ड्रिपिंग इफेक्ट टू द ड्राइंग ये क्या है ड्रिपिंग इफेक्ट है जब हम ड्रिपिंग इफेक्ट डालते हैं तो हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह की होती है ये हम कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं लेट अस सी हाउ इट वर्क कैसे वर्क करता है ओपन अ न्यू फाइल इन टक्सपेंट आपने ओपन फाइल करनी न्यू फाइल को ओपन करना है टक्सपेंट में से सेलेक्ट ग्रीन बैकग्राउंड आपने कौन सा बैकग्राउंड चूज़ करना है ग्रीन कलर का क्लिक ऑन द टैक्स टूल आपने टैक्स टूल पे क्लिक करना है एंड राइट द फॉलोइंग टैक्स और ये टेक्सट लिखना है आपने हेलो आई एम लर्निंग टक्स पेंट हम लर्न कर रहे हैं टक्स पेंट को नाउ सेलेक्ट द मैजिक टूल अब आपने क्या चूज़ करना है सेलेक्ट मैजिक टूल को सेलेक्ट करना है एंड चूज़ ड्रिप इफेक्ट और चूज करना है जो आप ड्रिप इफेक्ट डालना चाहते हो फ्रॉम द सब टूल बॉक्स कहाँ से लेना है आपने सब टूल बॉक्स में से ड्रैग द मैजिक वांट ओवर द टैक्स टू ऐड ड्रिपिंग इफेक्ट टू इट ड्रैग द मैजिक वांट ओवर द टैक्स आप क्या देखेंगे ये मैजिक देखेंगे ड्रॉप जो ड्रॉप गिर रही है वाटर की ड्रिपिंग इफेक्ट टू इट इस पर जो इफेक्ट हो रहा है ड्रिपिंग का वाटर का उसका इफेक्ट आप इसमें देखेंगे चेक हाउ द टैक्स चेंज इफेक्ट अप्लाइंग द ड्रिप इफेक्ट आपने चेक करना है कि जो ड्रिप का इफेक्ट है वो आपको कैसा नजर आ रहा है ये थी आपकी ड्रिप मैजिक आगे हम करेंगे एड्स इफेक्ट एड्स का इफेक्ट हम कैसे डालते हैं इसके बारे में हम जानते हैं इट इज़ यूनिक फीचर इन टक्स पेंट ये एक अलग ही फीचर है टक्स पेंट में वी कैन डिफरेंट एजस्ट फ्रॉम एन ऑलरेडी ड्राइंग इमेज जो आपकी पहले की ड्राइंग इमेज बनी होती हैं उस पर आप एजस्ट जैक एजिस का जो इफेक्ट है वो डाल सकते हैं लेट अस हाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानते हैं क्लिक ऑन द शेप टूल एंड सेलेक्ट एनी फील्ड शेप फ्रॉम द सब टूल बॉक्स आपने शेप टूल में जाना है और कोई भी शेप को चूज करना है सब टेक्सट बॉक्स में से सेलेक्ट द मैजिक टूल आपने मैजिक टूल को सेलेक्ट करना है चूज एजेस आपने एजेस को चूज करना है फ्रॉम द सब टूल बॉक्स सब टूल बॉक्स में से यूजिंग फॉर यूजिंग योर इमेज वॉन्टेड आपने क्या करना है जो आपकी इमेज है वो आपने बनाई है उस पर यूज करना है क्लिक द ड्रैग इट ओवर द एंटायर पिक्चर जो आपकी पिक्चर है उस पे इसको पूरी पिक्चर पे इसको ड्रैग करना है यू विल ऑब्जर्व दैट द एजिस ऑफ द शेप स्टार्ट अपीयरिंग जो आपके एजिस होंगे वो उस जो भी आपकी शेप है उस पे स्टार्ट हो जाएंगे उस पे आपको शो होने लगेंगे आगे बेटा नेक्स्ट पेज नंबर थर्टी फाइव पे हमारे पास फॉर्म इफेक्ट हम फॉर्म इफेक्ट कैसे डालते हैं यू मस्ट हैव सीन योर मदर वॉशिंग क्लोथ्स आपने अपनी मम्मा को कपड़े धोते हुए देखा होगा वेन शी एड्स वॉशिंग पाउडर टू द वाटर। जब वो एड करती है वॉशिंग पाउडर को वाटर में तो क्या होता है लॉट ऑफ फॉर्म अपीयर्स ऑन द वाटर। बहुत सारी फॉर्म बहुत सारी जो झग होती है वो वाटर में पानी में आने सिमिलरली दिस टूल एड्स द फॉर्म इफेक्ट वेयर एवर यू वॉन्ट इसी तरह बेटा ये एड जो इफेक्ट है फॉर्म का इफेक्ट है वो ऐसे ही डालता है जैसे हम वॉशिंग मशीन में पानी में जब हम सर्फ को डालते हैं तो झग उ जो फॉर्म बनती है वैसे ही हमारी ड्राॅइंग में एक फॉर्म जैसा बनता है उसको हम बोलते हैं फॉर्म इफेक्ट आगे हमारे पास ग्रास इफेक्ट वो कैसे बनता है इसके बारे में जानते हैं टू ड्रैग ग्रास यू वॉन्ट टू सिंपली यूज ग्रास इफेक्ट आपने ग्रास को ड्रैग करना वो कैसे ड्रैग इफेक्ट ग्रास इफेक्ट्स में से आपने चूज करके उसको सब टूल बॉक्स में से डा ड्रा नीट एंड टाइट ग्रास जो भी आप डालना चाहते हो उस तरफ का आप उस तरह का आप ग्रास चूज कर सकते हो आई होप यू रिमेंबर दैट रिमेंबर द वेरियस पेंट ब्रश शेप्स एंड यू हैव स्टडीज इन द प्रीवियस क्लास आपने ब्रश पेंट्स के बारे में पहले ही जाना है अपनी पिछली क्लास में ओपन अ न्यू फाइल विद द वाइट बैकग्राउंड आपने न्यू फाइल ओपन करनी है आपने उसका बैकग्राउंड वाइट लेना है सेलेक्ट अ पेंट टूल आपने पेंट टूल को सिलेक्ट करना है चूज ब्लू कलर एंड ड्रॉ द रिवर आपने ब्लू कलर चूज करके रिवर ड्रा करनी है जैसे इन्होंने की हुई है एज शो इन द फिगर फोर पॉइंट एट जैसे इन्होंने रिवर ड्रॉ की है एक नदी ड्रॉ की है आपने वैसे ही करनी है नाउ सेलेक्ट द मैजिक टूल एंड फिल इफेक्ट आपने अब मैजिक टूल को सिलेक्ट करना है जो इफेक्ट आपने जो नदी बनाई है उसको फिल कर देना है क्लिक ऑन द ग्राउंड टू फिल ग्रीन ग्रीन कलर इन इट और जो आपका ग्राउंड है उसमें आपने ग्रीन कलर को फिल कर देना है लाइक वाइज फुल ब्लू कलर इन द रिवर फुल जो ब्लू कलर है वो रिवर होगा और जो साइड का होगा ग्रास वो आपका ग्रीन कलर का होगा नाउ सेलेक्ट द ग्रास आपने अब क्या करना है ग्रास इफेक्ट पे जाना है एंड चूज डार्क ग्रीन कलर और क्या चूज करना है डार्क ग्रीन कलर ड्रॉ सम ग्रास एट द रिवर बेड साइड एंड ऑन द ग्राउंड आपने क्या करना है रिवर के इस तरफ जैसे इन्होंने ड्रॉ किया है वो आपने ग्रास को ड्रॉ करना है सेलेक्ट द पेंट टूल आपने पेंट टूल को सिलेक्ट करना. करना है अगेन पिक द पिक द वाइन टूल आपने अगेन वाइन टूल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ब्रश सिलेक्शन ब्रश सिलेक्शन में आपने इस चूज इस टूल को चूज करना है ड्रॉ द अपर पार्ट ऑफ द ट्री यूजिंग वाइन टूल आपने क्या करना है जो अपर पार्ट है आपके ट्री का वहाँ पे आपने वाइन टूर को यूज़ करना है एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन जैसे आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है इधर से आपने क्या करना है इसको चूज़ करना है टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल आपने इसको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए करना है यू कैन सेलेक्ट अ फ्यू कलर्स आपने एक और कलर सेलेक्ट करने हैं एंड कीप क्लिकिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रीज एंड शो इन द फिगर फोर जीरो नाइन जैसे आपकी फिगर में शो हो रहा है वैसे ही आपने अलग अलग इफेक्ट इसमें अलग अलग कलर चूज करके इसमें डाल देने हैं हैंलेक्ट द मैजिक टूल आपने मैजिक टूल को सिलेक्ट है चूज द फ्लावर टूल एंड ड्रॉ फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट कलर्स आपने डिफरेंट कलर्स के फ्लावर को ड्रा कर देना है नाउ सेलेक्ट द फॉर्म इफेक्ट एंड ड्रा ड्रा सम फॉर्म अलॉन्ग विद द रिवर और आपने अब फॉर्म टूल फॉर्म जो इफेक्ट है उस पर जाना है और जैसे ही इन्होंने ड्रॉ किया होगा फॉर्म को आपने फॉर्म इफेक्ट को आपने डाल देना है वंस अगेन सिलेक्ट द पेंट टूल आपने फिर एक बार पेंट टूल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द सब टूल बॉक्स सब टूल बॉक्स में से एंड चूज द स्टार फिश शेप और आपने क्या चूज करना है स्टार फिश शेप को चूज करना है जैसे स्टार की शेप है इसको चूज करना है सिलेक्ट ब्राउन कलर फ्रॉम द कलर कलर्स प्लेटर एंड ड्रॉ अ फ्यू स्टार फिश ऑन द फॉर्म और आपने क्या करना है जैसे इन्होंने ड्रॉ किए और स्टार फिश आपने ब्राउन कलर के चूज करके इसमें डाल देने और ड्रॉ कर देने है. ये होगी आपकी बेटा पहले हमने ग्रास इफेक्ट किया ग्रास इफेक्ट की पेंटिंग कैसे हम ग्रास में इफेक्ट डाल के वो पेंटिंग रेडी कर सकते जैसे इन्होंने बनाई हुई है आपने जरूर ट्राई करना है इसका जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू